हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं ट्रिपल सी का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 50 सेट का एक पेपर सॉल्व किया था ट्रिपल सी का। आज फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और सेट पेपर सॉल्व करेंगे जो 50 क्वेश्चन ही होंगे, पर उसके कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसे वो था 50 तक, ये क्या हो जाएगा 51 से। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, कौन सा कथन मैग्नेटिक टेप के बारे में सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन है चारों ऑप्शन में से जो मैग्नेटिक टेप के बारे में सही है। ठीक है, ए ये प्लास्टिक रिबन है, बी यह दोनों तरफ से आयरन ऑक्साइड के साथ लेपित होता है। ठीक है, सी इसे मिटाया और पुनः उपयोग किया जा सकता है, या डी ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला, इसका सही आंसर क्या है, ए यह प्लास्टिक रिबन है। ठीक है, आइए दूसरा, ए एल यू है। अब ए एल यू का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है कि ए एल यू क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए एल यू सीपीयू में होता है, और ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53, मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, ए ट्रैक पर इंच ऑफ स्पेस, बी बिट्स पर इंच ऑफ स्पेस, सी डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, और डी ऊपर के सभी। ठीक है, अब पहला क्या है, ट्रैक पर इंच ऑफ स्पेस, बिट्स पर इंच ऑफ स्पेस, डिस्क पैक इन डिस्क स्पेस, और डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी। ऊपर के ये जो तीनों दिए हैं, ये तीनों ही मानक हैं जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी को हम निर्भर करती है। ठीक है, आइए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, वैन का फुल फॉर्म। ठीक है, ये एक तरह की आप क्या है, नेटवर्किंग है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। वेब एरिया नेटवर्क, बी वाइड एरिया नेटवर्क, सी वाइड एरे नेटवर्क, और डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आंसर बी, जो क्या है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, 54 का आंसर हमारा क्या है, बी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी मीडियम लेवल लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज, और डी उपरोक्त सभी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर में दो ही तरह की लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, तो कौन सा गलत है, बी मीडियम लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आइए 56 क्वेश्चन देखते हैं, बिना किसी अनुवाद प्रोग्राम के कंप्यूटर द्वारा कौन सी भाषा सीधे समझी जाती है। ठीक है, कौन सी ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, उसके लिए हमें कोई अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए वो कौन सा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में ही दोस्तों आपका वो आता है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग 0-1 की कोडिंग होती है ना, जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एक प्रिंटर इमेज की क्वालिटी को आमतौर पर मापा जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर की इमेज छप के आती है ना, उसकी क्वालिटी को कैसे नापा जाता है देख लेते हैं। ए कैरेक्टर पर सेकेंड, बी पेज पर मिनट, डी डॉट्स पर इंच, या डी पिक्सल्स। ठीक है, क्या है, ए कैरेक्टर पर सेकंड, बी पेज पर मिनट, सी डॉट्स पर इंच, और डी पिक्सल्स। तो इसका सही आंसर है बी पेज पर मिनट। ठीक है, इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर है डॉट पर इंच पे। ठीक है, डॉट पर इंच पे इसको नापा जाता है, किसको, एक प्रिंटर इमेज की क्वालिटी को आमतौर पर किस पे मापा जाता है, वो है डॉट पर इंच। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58, फोल्डर्स आपको क्या करने देते हैं। ठीक है, फोल्डर्स में आप क्या काम कर सकते हैं, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने का, कंप्यूटर को प्रॉपरली शुरू करने में, आपकी फाइल्स को नाम देने के लिए, और फाइल्स की टेबल बनाने के लिए। तो इसका आंसर है ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। ठीक है, जो डिस्क पे फाइल होती है उसको हम अलग अलग फोल्डर बना के उसमें क्या करते हैं,
उसमें रख लेते हैं और व्यवस्थित कर देते हैं, इसलिए ए 59। कुछ कीबोर्ड में जी और एच कुंजी के बीच उनमें एक छोटा सा जॉयस्टिक बनाया गया है, इस प्रकार के डिवाइस को क्या कहा जाता है? ठीक है, जी और एच के बीच में होगा एक जॉयस्टिक टाइप का, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं ए ट्रैकिस्ट, बी अल्टरनेटिव पॉइंटिंग, सी ट्रैकिंग डिवाइस, या डी इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, क्या आंसर है? इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60। एमएस वर्ड में आप पेज ब्रेक को कर सकते हैं, ठीक है, आप कब कर सकते हैं? अपने कर्सर को उचित जगह पर और F1 कुंजी दबाकर, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का प्रयोग कर, सी अपने कर्सर को उचित जगह पर और कंट्रोल प्लस इंटर कुंजी दबाकर, और अपने दस्तावेज को फॉन्ट साइज को बदल कर। ठीक है, तो अब पेज ब्रेक करने का मतलब नया पेज इंसर्ट करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल इंटर। तो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, अपने कर्सर को उचित जगह पर और कंट्रोल प्लस इंटर कुंजी दबाकर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग कब किया जाता है? देखते हैं, ऑनलाइन रेलवे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देने के लिए, बी मोबाइल फोन, सी ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, या डी मल्टीमीडिया मूवी। तो इसका सही आंसर है मोबाइल, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर क्या है? इस 61 का सही आंसर है बी मोबाइल फोन में हम क्या यूज़ करते हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, किसमें? मोबाइल में। ठीक है, आइए 62। एक स्प्रेडशीट में एक ऐसा कथन जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब होता है एक्सेल। ठीक है, एक स्प्रेडशीट में एक ऐसा कथन जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? ए फॉर्मूला, बी रिफरेंस, सी आर्गुमेंट, और डी पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए फॉर्मूला। फॉर्मूले के ही द्वारा आप क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आइए 63। निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड को एम्बेडेड किया जा सकता है? ठीक है, अब स्लाइड होती है उसमें से कौन सी स्लाइड है जिसको एम्बेडेड कर सकते हैं? ए वेब पेज, बी ऑडियो क्लिप, सी वीडियो क्लिप, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? स्लाइड को एम्बेडेड किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब 64। 64, इनमें से बूट करने योग्य डिस्क है, ठीक है, कौन सी डिस्क आप बूट कर सकते हैं? ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क, बी एक डिस्क जो रैम में डॉस को लोड करने के लिए यूज़ की जाती है, सी एक मिनी फ्लॉपी डिस्क, या डी एक सीडी रोम। ठीक है, अब बूट क्या कर सकते हैं इसमें से? बूट कर सकते हैं बी, बी को हम कर सकते हैं एक डिस्क जो रैम में डॉस को लोड करने के लिए यूज़ की जाती है उसी को हम बूट कहते हैं। ठीक है, जैसे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं, तो आपके डिस्क में क्या हो रहा है? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65। नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए आधार होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए आधार होती है वो कौन सी नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल। हाँ, ऑक्टल सिस्टम, ASCII, या बाइनरी सिस्टम। ठीक है, कभी आप लोग को पहले ही बताया गया था कि कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर्स पे। तो यही नंबर सिस्टम है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक है, आइए 66। CPU सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को रीड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। CPU सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को रीड करता है। ठीक है, आइए ए पहले इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में स्थानांतरित की जाती है और CPU वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करता है, बी डायरेक्ट करता है, सी रजिस्टर द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? CPU कैसे सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को लेता है? तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, क्या करता है वो? पहले इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में स्थानांतरित करता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, और फिर CPU वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ए। 67, इनमें से कौन सा डायग्नोसिस्ट सॉफ्टवेयर है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डायग्नोसिस्ट सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ठीक है, आइए ए विंडो, बी XP, सी नॉर्टन एंटीवायरस, या डी
यूनिक्स, ठीक है, इसका सही आंसर है सी, नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, ठीक है, इसको एक तरह से और कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, किसको, नॉर्टन एंटीवायरस को। आइए, और बाकी जो है सब आपका क्या है, आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या है, नीचे दिए विकल्प में से विषम शब्द को चुने, ठीक है, जो ऑड होगा, जो अलग होगा उसको चुनेंगे। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा रजिस्टर और चौथा प्रिंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एक कमांड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम कुछ प्रिंट करते हैं। बाकी कंट्रोल यूनिट सीपीयू में, रजिस्टर भी अब कंप्यूटर का पार्ट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। ठीक है, आइए 69, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो देखते हैं। पहला ए डेजी व्हील, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी चैन प्रिंटर, डी लेजर। ठीक है, तो लेजर ही आपका ऐसा प्रिंटर है जो क्या नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इससे बहुत स्मूथली काम होता है। ठीक है, आइए अगला क्या है, रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम, तो यहाँ पे क्या पूछा है, रोम का फुल फॉर्म। ए रीड वंस मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रीड ऑन मेमोरी और डी रीड अदर मेमोरी। तो इसका सही आंसर होता है रीड ओनली मेमोरी, आर से रीड, ओ से ओनली और एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71, एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, एक प्रिंटर है, अगर उसकी आउटपुट क्वालिटी हमें देखनी है तो उसको कैसे मापेंगे, आइए देखते हैं। डॉट पर इंच, डॉट पर सेक्टर यूनिट, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है, ए डॉट पर इंच, बी डॉट पर स्क्वायर इंच, सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या डी उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है बी डॉट पर सीक्वेंस इंच। ठीक है, क्या है, डॉट पर सीक्वेंस इंच। 72 देखते हैं, सी ए डी का फुल फॉर्म, किसका, सी ए डी का। आइए देखते हैं, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, क्या है सही आंसर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कलर में हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर कलर है उसमें हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स है तो उसको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को उत्पादन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ए आरजीबी मॉनिटर, बी प्लॉटर, सी इंकजेट प्रिंटर या डी लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो हाई क्वालिटी के लिए आपको करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, प्लॉटर लगता है। ठीक है, प्लॉटर एक डिवाइस होती है जो प्रिंट के ही काम आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बी हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो आपको अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, लेजर प्रिंटर, ए बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर और डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या है, सी प्लॉटर। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी था हमारे पास, हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स का उत्पादन। ठीक है, तो जब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का उत्पादन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट करने के लिए एक साथ अनुमानित है। ठीक है, ठीक है, अनुमति देती है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट करने के लिए एक साथ अनुमति देती है। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका रोम, रैम, ठीक है, ईपी रोम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने अभी देखा था कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जब इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, तो ये सिर्फ पढ़ने देगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईपी रोम क्या है, ये रोम का ही पार्ट है तो वो रीड हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं।
एक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस जिस पर डेटा कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है और बाहर छोड़ देता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट दोनों जिसमें डेटा कंप्यूटर में भी जाता है और बाहर भी आता है, उसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ए कीबोर्ड, बी टर्मिनल, सी प्रिंटर और डी प्लॉटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी टर्मिनल। टर्मिनल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, हमारा डेटा कंप्यूटर में जाता भी है। देखिए, जिस पर डेटा कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है और बाहर छोड़ देता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लॉट टर्मिनल हो जाएगा। कीबोर्ड से सिर्फ डेटा जाता है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, प्लॉटर से भी प्रिंट निकलता है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट और ये दोनों आउटपुट, पर ये टर्मिनल ही है जो इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 77। कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल यूनिक होते हैं क्योंकि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल यूनिक होते हैं क्यों, आइए देखते हैं। एक कंप्यूटर की असेंबली के कारण, मशीन लैंग्वेज के कारण, हाई लेवल लैंग्वेज के कारण और डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका मशीन लैंग्वेज के कारण। मशीन लैंग्वेज के कारण ही प्रत्येक कंप्यूटर का मॉडल क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रैम को डिस्क्राइब करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रैम जो है उसको अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ए डायनेमिक रैम, बी स्टैटिक रैम, सी वीडियो रैम और डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो ऊपर तीनों दिया है ना, ये तीनों ही आपके रैम का पार्ट है, तो इसलिए हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 79। ऑटो कंटेंट विजल्ट में स्टार्ट और फिनिश के बीच में कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। 79। ऑटो कंटेंट विजल्ट में स्टार्ट और फिनिश के बीच कितने स्टेप होते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, फिर है 5, फिर है 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजल्ट में 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होता है, 4 हो जाएगा। 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कौन सी शॉर्टकट की करंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन कोई है उसमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। पहला ए कंट्रोल एन, बी कंट्रोल एम, सी कंट्रोल एस और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी कंट्रोल एस। अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, किसमें, करंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्या होगा यदि आप पहली और दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं और फिर आप होम टैब के स्लाइड ग्रुप में नए स्लाइड बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहली और दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर ली है और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं क्या, होम टैब के स्लाइड ग्रुप में नए स्लाइड को इंसर्ट, तब क्या करते हैं, तब क्या होता है। ए प्रोजेक्शन में पहली स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। बी प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। सी प्रेजेंटेशन में तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहला क्या है, पहली स्लाइड के रूप में, दूसरी स्लाइड के रूप में, तीसरी स्लाइड के रूप में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। क्यों, हमने पहली और दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट किया था और फिर हमने होम पे जाके न्यू स्लाइड को क्लिक किया था, तो प्रेजेंटेशन में तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सी मेथड करंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकती है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा मेथड है जो करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकती है। ए स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड सेलेक्ट करें। बी होम टैब के स्लाइड ग्रुप में नई स्लाइड सेलेक्ट करें। सी कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करें और डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है 82 का, डी उपयुक्त सभी। ऊपर के जितने ऑप्शन हैं ये सभी क्या करेंगे, ये सब मेथड है क्या, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सा विकल्प स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा विकल्प स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ए डिज़ाइन टेम्पलेट, बी कलर स्कीम,
सी एनिमेशन स्कीम और डी स्लाइड लेआउट। ठीक है, ए डिज़ाइन टेम्पलेट, बी कलर स्कीम, सी एनिमेशन स्कीम और डी स्लाइड लेआउट। तो इसका सही आंसर क्या है 83 का, डी। क्या है? डी स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या है? स्लाइड लेआउट डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहा है, नहीं। तो डिज़ाइन का हिस्सा क्या नहीं है? स्लाइड लेआउट। बाकी एनिमेशन, कलर और डिज़ाइन तीनों किसका? डिज़ाइन का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, स्लाइड की दूसरी कॉपी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, स्लाइड की दूसरी कॉपी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए स्लाइड पर क्लिक करें और फिर कंट्रोल ए की को प्रेस करें और नई स्लाइड पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, बी होम टैब के स्लाइड ग्रुप के द्वारा डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट करें। सी जो कुछ भी अपने पुरानी स्लाइड में किया है उसे नई स्लाइड में करें, या डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 84 का? 84 का सही आंसर है बी। क्या है बी ऑप्शन? देखते हैं, बी है होम टैब में। ठीक है, टैब होता है एक, तो होम टैब के स्लाइड ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, होम टैब के स्लाइड ग्रुप के द्वारा डुप्लीकेट स्लाइड सेलेक्ट कर ले। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, होम टैब के स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और डुप्लीकेट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे। आइए 85, सेल में डेटा इंटर करने के लिए निम्न में से किस मेथड का उपयोग किया जाता है? अगर सेल में डेटा इंसर्ट करना है तो आप किस मेथड का यूज़ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 85, ए प्रेस एरो की, बी प्रेस टैब की, सी प्रेस स्केप की, या डी फॉर्मूला बार में इंटर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 85 का आंसर आपका है, 85 का है सी प्रेस स्केप की। ठीक है, प्रेस स्केप की। क्या है कहा है? सेल में डेटा इंटर करने के लिए निम्न में से किस मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता, तो स्केप का ही यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी तीनों का कर सकते हैं। 86, वर्कशीट में एक एरिया में की गई फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने के लिए इसे उस दूसरे एरिया पर लागू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वर्कशीट होती है उसमें जब भी हम काम करते हैं तो एक एरिया में की गई फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने के लिए इसे उस दूसरे एरिया पर लागू करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है, आइए, ए होम टैब के स्लाइड ग्रुप के पोस्ट कमांड का प्रयोग। ठीक है, होम टैब के स्लाइड ग्रुप का पोस्ट का कमांड का ग्रुप। ठीक है, बी इंसर्ट टैब के फॉन्ट ग्रुप के नीचे स्थित क्लिपबोर्ड के टास्क पिन से कॉपी और पेस्ट को अप्लाई करने करके प्रयोग कर सकते हैं। सी एक्सेल में फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने और अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है, आपको इसे मैन्युअली रूप से करना होगा, या डी क्लिपबोर्ड समूह पर फॉर्मेट प्रिंटर बटन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है आपका डी। क्लिपबोर्ड एक ऑप्शन होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंटर, आप उस बटन को दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। कौन सा? वर्कशीट के एक एरिया में की गई फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने के लिए इसे उस दूसरे एरिया में लागू करने। ठीक है, आपने मान लीजिए कहीं कोई फॉर्मेटिंग की है, जैसे ये है, तो इसको दूसरी जगह लागू करना है यहाँ पे, तो बस कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट प्रिंटर क्लिपबोर्ड मिलेगा, वहाँ जाके सेलेक्ट करके कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा है। क्वेश्चन नंबर 87, वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अब वर्कशीट में क्या सेलेक्ट करना है देखते हैं, या कैसे कर सकते हैं, 87 क्वेश्चन नंबर है। आइए, इसका ए वर्कशीट को इंटर करना, बी रोस, डी कॉलम, या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ए वर्कशीट को इंटर करना, बी रोस, ठीक है, सी कॉलम और डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है आपका बी रोज। वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला को इंटर करने की अनुमति देता है? ठीक है, एक्सेल में जो विंडो खुलती है उसमें कौन सा एरिया ऐसा होता है जो फॉर्मूला और वैल्यू दोनों को इंटर करने की अनुमति देता है? आइए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर देखते हैं क्या होता है। होम टैब, बी इंसर्ट टैब, डी फॉर्मूला टैब और डी पेज लेआउट टैब।
इसका सही आंसर है सी, फॉर्मूला टैब। आप फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और वैल्यू भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, क्वेश्चन नंबर 89 सबसे पुराना है, ठीक है। ए विजी कैल्क, बी लोटस 1 2 3, सी एक्सेल और डी स्टार कैल्क, ठीक है। इसका सबसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए विजी कैल्क। विजी कैल्क आपका क्या है, सबसे पुराना क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 90, किसी दस्तावेज में पेज नंबर डालने के कई तरीके हो सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पेज नंबर इंसर्ट करने देता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें पेज नंबर इंसर्ट करने देगा। इंसर्ट टैब से पेज नंबर डालें, फाइल ग्रुप टैब से पेज सेटअप टैब, सी इंसर्ट टैब से फुट नोट डालें, या डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है इंसर्ट टैब में जाइए और पेज नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इंसर्ट टैब में जाके पेज नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, ड्रॉ टेबल टूल कमांड आपको कहाँ मिल सकते हैं, क्या 91 का क्या है, ड्रॉ टेबल टूल कमांड आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। ए पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत पेज लेआउट में, बी फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होम टैब में। ये सब जो पेज सेटअप है या फॉन्ट ग्रुप है या होम टैब है, ये सब आपको एमएस वर्ड में मिलेगा, ठीक है, एमएस एक्सेल में भी रहता है, ठीक है। ड्रॉ टेबल टूल कमांड आपको कहाँ मिल सकता है, पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत पेज लेआउट में, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होम टैब में, फुटनोट ग्रुप के अंतर्गत रेफरेंस टैब में, या डी टेबल ग्रुप के अंतर्गत इंसर्ट टैब में। इसका सही आंसर है डी, ठीक है। आप जाएंगे इंसर्ट टैब में तो एक ग्रुप मिलेगा जो होगा टेबल, ठीक है, तो ये वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। आइए 92 क्या है, फाइल फुल डाउन मेनू में निम्न विकल्पों में से एक का उपयोग एमएस वर्ड दस्तावेज को बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फाइल पुल डाउन मेनू जो होती है उसमें से इसमें से एक विकल्प ऐसा है जिसमें जिसको एमएस वर्ड को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए क्विट, बी क्लोज, सी एग्जिट, डी न्यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी क्लोज, क्लोज से बंद करना होता है, ठीक है। 92 का आंसर क्या है, बी क्लोज। आइए 93 देखते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप और स्ट्राइक थ्रू को जानना चाहता है, ठीक है। अब इसको कैसे जाना जाता है, ये कहाँ मिलता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा फॉन्ट इफेक्ट। ये आपके फॉन्ट पे असर करता है, क्या चीज़, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप और स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 94, शैडो, ग्लो और सॉफ्ट एज गेस, ठीक है। शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज को जाना जाता है, ए फॉन्ट स्टाइल, बी फॉन्ट इफेक्ट, सी वर्ल्ड आर्ट और डी टेक्स्ट इफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट से इन सब चीज़ों को जाना जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 95, शब्द की विशेषता जो वर्णों के कुछ संयोजन के बीच स्वचालित रूप से स्थान की मात्रा में समायोजित करती है ताकि एक संपूर्ण शब्द अधिक समान रूप से दूरी पर दिखता हो, ठीक है। तो दूरी कैसे होती है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, स्पेसिंग ए, बी स्केलिंग, सी क्या है केंद्रिंग और डी पोजीशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का सी केंद्रिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, आप एक कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, होम टैब से फॉन्ट समूह को चुनें, कॉलम हैंडिंग लेटर पर क्लिक करें, जब आप कॉलम में कभी भी क्लिक करते हैं तो शिफ्ट कुंजी दबाए रखें, जब आप कॉलम में कहीं भी क्लिक करते हैं तो कंट्रोल कुंजी दबाए रखें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है 96 का, 96 का है बी कॉलम हैंडल लेटर पर क्लिक करें, ठीक है। क्या है, कॉलम हैंडिंग
लेटर पर क्लिक करें, इससे क्या हो जाएगा, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, एक कॉलम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 97। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? ठीक है, अगर आपको फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, आइए देखते हैं। उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें आप फार्मूला को रखना चाहते हैं। बी, एक्सेल को बताने के लिए बराबर चिन्ह टाइप करें ताकि आप उसे बता सकें कि आप उस सेल में फार्मूला इंटर करने वाले हैं। सी, किसी भी इनपुट मान और उपयुक्त मैथमेटिकल ऑपरेटर का उपयोग करके आप फार्मूला इंटर करें जो आपके फार्मूला को बनाते हैं। डी, फाइल मेनू से एक नए कमांड को सेलेक्ट करें। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए, ए है। उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें आप फार्मूला को रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फार्मूला को रख लेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, उसी सेल में फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, 98, 98 क्या है, आप कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं? ठीक है, ए, उस कॉलम हैंडिंग को सेलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और होम टैब में स्टाइल ग्रुप में डिलीट रो बटन को सेलेक्ट करें। ठीक है, बी, कॉलम की हैंडिंग को सेलेक्ट करें जिसे आप होम टैब के नंबर समूह से डिलीट करना चाहते हैं। सी, रो की हैंडिंग को सेलेक्ट करें जिसे आप होम टैब के एडिटिंग समूह में से डिलीट करना चाहते हैं। और डी, ठीक है, डी क्या है, कॉलम हैंडिंग पर राइट क्लिक करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और शॉर्टकट की मेनू से डिलीट को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी, कॉलम हैंडिंग को सेलेक्ट करें। ठीक है, कॉलम हैंडिंग पर राइट क्लिक करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेनू से डिलीट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, आप रो को कैसे डिलीट करेंगे? रो हैंडिंग पर राइट क्लिक करें जहां पर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट को सेलेक्ट करें। ठीक है, आप रो को कैसे डिलीट करेंगे, अभी हम लोग कॉलम डिलीट पढ़े, अब रो। ठीक है, रो हैंडिंग पर राइट क्लिक करें जहां पर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट को सेलेक्ट करें। बी, रो हैंडिंग को सेलेक्ट करें जहां पर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं और होम टैब से अलाइनमेंट ग्रुप को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगला क्या है, रो हैंडिंग को सेलेक्ट करें जहां पर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार से इंसर्ट रो बटन पर क्लिक करें। और डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में कहा है, डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले इंसर्ट शब्द जहाँ आ जाएगा वो ऑप्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें आ गया इंसर्ट और इसमें आ गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन ख़त्म हो गए, जब दो ऑप्शन ख़त्म हो गए तो ये भी ख़त्म हो गया, उपयुक्त सभी, तो क्या बचा, ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, रो हैंडिंग पर राइट क्लिक करें और जहाँ पर आपको रो को इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट को सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ डिलीट की जगह हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिलीट की जगह इंसर्ट हो जाएगा, तो सब लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ त्रुटि है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सेल एंट्री करने का तरीका नहीं है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो एंट्री नहीं कर सकते? ए, प्रेस इंटर। बी, कीबोर्ड की कोई भी एरो की को प्रेस करें। सी, फॉर्मूला बार पर इंटर बटन क्लिक करें। और डी, प्रेस स्पेस बार। ठीक है, क्या है, प्रेस स्पेस। निम्न में से कौन सा सेल एंट्री करने का तरीका नहीं है? तो एंट्री करने का तरीका कौन सा नहीं है, प्रेस स्पेस बार। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ स्पेस आएगा। ठीक है, आइए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 99 जो है, ठीक है, उसमें यहाँ पे डिलीट की जगह इंसर्ट होगा। ठीक है, और इंसर्ट जब होगा तो इसका आंसर होगा पहला वाला ही, जहाँ आपको इंसर्ट करना है तो उसी को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ डिलीट की जगह इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के लिए इतना ही, आज हमने 50 क्वेश्चन और देखे, 50 क्वेश्चन हमने पहले देखे थे। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।